हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। लास्ट टाइम हम लोग ने वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, विच इंक्लूड्स गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड असिस्टेंस वेल्डिंग। आज हम लोग गैस वेल्डिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेल्डिंग करने के लिए, गैस वेल्डिंग करने के लिए, गैस कटिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट सेटअप की ज़रूरत है, वो सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली वेन एवर यू नीड टू डू गैस वेल्डिंग, यू नीड अ गैस। ऑब्वियसली गैस वेल्डिंग गैसेस के बिना तो अधूरा है। तो गैसेस जो है तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ कुछ गैसेस जो है ऑक्सीडाइज़र के जैसे काम करते हैं, कुछ गैसेस जो होते हैं फ्यूल जैसे काम करते हैं, एंड कुछ गैसेस जो शील्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो तीन टाइप के गैसेस नॉर्मली हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन विच एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजर, फ्यूल, फ्यूल के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं, एसिटिलीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, प्रोपेन हो गया, मेथेन हो गया, अलग अलग टाइप के फ्यूल्स नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका शील्डिंग के लिए इनर्ट गैसेस यूज़ किए जाते हैं। इनर्ट गैस के साथ कुछ एक्स्ट्रा गैसेस भी आते हैं, लेकिन वो सब यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप के गैस का नाम है एसिटिलीन वेल्डिंग है। तो ये जो गैस जो है केमिकली अनस्टेबल होता है। अगर हम लोग एसिटिलीन बाई इटसेल्फ इज़ वेरी अनस्टेबल, इसके लिए स्पेशल सिलेंडर्स आते हैं। स्पेशल सिलेंडर जो होते हैं ज़्यादातर इट इज़ मेड सच ए वे दैट कि आपका एसिटिलीन जो है डिजॉल्व स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, एंड इट वुड बी इन डिजॉल्व स्टेट। जो सिलेंडर का जो मटेरियल जो रहता है पोरस रहता है अंदर से, एंड वो अंदर जो है एसीटोन रहता है। एसीटोन के अंदर आप एसिटिलीन को सैचुरेट करके या डिजॉल्व करके हम लोग यूज़ करते हैं। एसिटिलीन को आप जब एसीटोन के साथ सैचुरेट करते हो, वो थोड़ा स्टेबल बन जाता है, एंड वो हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एसिटिलीन को फ्री स्टेट में रखते हो, देर इज़ 100% चाहे थोड़ा सा शॉक क्या लगा, स्लाइट शॉक आ गया उसके ऊपर, मतलब थोड़ा सा धक्का दे दिया, थोड़ा वो शॉक उसमें आ गया, तो 29.4 PSI दैट इज़ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में ये एक्सप्लोड होगा। जो सिलेंडर जो है आपका एक्सप्लोड होगा। सो इफ पॉसिबल आप एसीटोन को और एसिटिलीन को मिला के दोनों के एक दूसरे के अंदर सैचुरेट करके यूज़ कीजिएगा। एसीटोन के अंदर एसिटिलीन को आप सैचुरेट करके आप उसे यूज़ कीजिएगा, एंड सी टू इट दैट आपका जो सिलेंडर प्रेशर जो है, सिलेंडर प्रेशर इज़ नॉट एक्सीडिंग 15 PSI। मैं 29 PSI के बारे में बोला, लेकिन इफ पॉसिबल आप 15 PSI के ऊपर भी ना जाओ तो बेटर होगा। नेक्स्ट आता है आपका आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस है जो शील्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। शील्डिंग गैस, शील्डिंग के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के गैस यूज़ करते हैं। मैंने बोला था इनर्ट गैसेस, आर्गन इज़ वन ऑफ द इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस जो हम लोग शील्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग में अलग अलग जगह में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कलरलेस, ये टिपिकली कलरलेस होता है। इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक। मैंने ऐसे नॉन टॉक्सिक, ये जहरीला नहीं है। आप अगर आप आर्गन को ब्रीथ करते हो तो यू विल नॉट डाई, नॉर यू विल बी इफ आप को कोई बीमार होने वाले हो। आप अगर आप मरोगे भी तो फिर भी रीज़न ये होगा कि अब दर ऑक्सीजन कम है। ह्यूमन नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। आर्गन आप ब्रीथ करते हो तो आपको कुछ होगा नहीं, बट दैट डजेंट मीन दैट आप ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करोगे। तो इट इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर। नेक्स्ट आता है आप इनर्ट गैस जो है बाकी सारे गैसेस के कंबाइन नहीं करता, तो इसलिए हम लोग इस ये अगर आप ऑक्सीडेशन से बचाना चाहते हो, एक वेल्डेड मटेरियल को ऑक्सीडेशन से बचाना चाहते हो, तो अगर आप आर्गन से वो वाला एरिया को शील्ड करोगे तो आप ऑक्सीजन से बचा सकते हैं, ऑक्सीडेशन से बचा सकते हो वो एरिया को, मोल्टेन एरिया को आप ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। लो केमिकल रिएक्टिविटी रहता है आर्गन का, लो थर्मल कंडक्टिविटी, जल्दी गर्म भी नहीं होता।
तो ये एक मतलब हीट डिसिपेशन भी रोकता है, ये एक एडवांटेज है। हीट डिसिपेशन रोकेगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, इट हैज़ द लो थर्म केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी वजह से बाकी सारे गैसेस के साथ केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, एक एडवांटेज है। आर्गन को हम लोग MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के साथ, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के साथ एंड प्लाज्मा वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के साथ हम लोग आर्गन यूज़ किए किया करते हैं। नेक्स्ट आता है हीलियम। हीलियम जो होता है कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस, ये भी एक आपका इनर्ट गैस का ही एग्जांपल है। तो हीलियम जो होता है कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड नॉन टॉक्सिक एट द सेम टाइम। इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑलमोस्ट बाकी सारे एलिमेंट से सबसे कम रहता है, ये गैस के फॉर्म में ही मिलेगा हमें एंड ये प्रोटेक्टिव गैस शील्ड के जैसे यूज़ कर सकते हैं हमें हम लोग इसे। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है कलरलेस रहता है, ऑडरलेस रहता है, टेस्टलेस रहता है एंड हाईली फ्लेमेबल गैस है ये। इसको हम लोग फ्यूल जैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग के केस में। ये जब हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग जो होता है हाई प्रेशर एरिया में हम लोग करते हैं, तो अंडर वाटर वेल्डिंग करना चाहते हो, अंडर वाटर कटिंग करना चाहते हैं या एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है कलरलेस रहता है, ऑडरलेस रहता है, नॉन टॉक्सिक रहेगा ऑब्वियसली एंड नॉन फ्लेमेबल गैस है। मैंने ऐसे नॉन फ्लेमेबल, ये खुद जलता नहीं है। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ कंबशन, ट्रू। इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द जॉब, ये भी सच है। हम लोग वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं बट ये खुद जलता नहीं है, बाकियों को जलाता है, राइट? फ्यूल को जलने में मदद करता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ कंबशन, बट ये खुद जलता नहीं है, इट इज़ नॉन फ्लेमेबल गैस। नेक्स्ट आता है प्रेशर रेगुलेटर। सिलेंडर्स अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन एंड फ्यूल, ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजर ऑफ फ्यूल के केस में आप दोनों में, दोनों के सिलेंडर में प्रेशर रेगुलेटर हमेशा लगा हुआ रहेगा। उसका पर्पस ये है कि सिलेंडर का प्रेशर को रेगुलेट करना। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 29.4 PSI से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 15 PSI। अब ये जब मैं बोलता हूँ तो हाउ आर यू गोइंग टू नो वेदर द प्रेशर हैज़ द रीच्ड ऑन इट्स लिमिट और नॉट? आपको पता भी चलना चाहिए प्रेशर सिलेंडर के अंदर कितना है, सिलेंडर के बाहर कितना है, सिलेंडर प्रेशर कितना है, वर्किंग प्रेशर कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रेशर रेगुलेट करना पड़ेगा। प्रेशर रेगुलेट करने के लिए प्रेशर रेगुलेटर लगाना पड़ेगा एंड प्रेशर रेगुलेटर जो होते हैं उसके अंदर दो गेजेस लगे हुए रहते हैं। सिलेंडर प्रेशर के ऊपर दो गेजेस लगे हुए रहेंगे एंड वन प्रेशर गेज वुड बी शोइंग द सिलेंडर प्रेशर, अदर वुड बी शोइंग द वर्किंग प्रेशर एंड बाय रोटेटिंग द नॉब इन एंड आउट आप रेगुलेटर को ऑन कर सक मतलब आप फ्लूइड को बाहर निकाल भेज सकते हो या तो बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन द डायफ्राम एंड क्लोज द डायफ्राम विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटर। एट द सेम टाइम यू कैन इंक्रीज द रेट एट विच द फ्लूइड इज कमिंग फ्रॉम द सिलेंडर। ये सब भी आप कंट्रोल कर सकते हो। प्रेशर रेगुलेटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर होता है एंड दूसरा होता है टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर होता है। आप टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर जो होता है आप स्पेशली कब यूज़ किया जाता है, स्पेशली जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हो, प्रेशर को आप आउटलेट प्रेशर जो वर्किंग प्रेशर जो है आप कांस्टेंट रखना चाहते हो बाय वेयरिंग द सिलेंडर प्रेशर वॉल्यू। अब टिपिकली क्या होता है जब आप सिलेंडर का प्रेशर ड्रॉप होता कम होते जाएगा तो ऑब्वियसली वर्किंग प्रेशर में भी इफेक्ट होता है, लेकिन आप टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर से आप आउटलेट प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं एंड सिलेंडर प्रेशर को और सिलेंडर के वॉल्यूम जो फ्लूइड का वॉल्यूम जो है उसको कम करते हुए आप वर्किंग प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो वैसे वाले जो रेगुलेटर्स होते हैं उसको हम लोग टू स्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। हाउ आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट?
टिपिकली जो है आप टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर जो होते हैं लार्ज होते हैं, एंड सेकेंड चैम्बर जो यहाँ पे नॉब लगा हुआ रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। जस्ट लुको भैया, अगर आप इसके अंदर देखेंगे जहाँ पे ये दिस इज़ अ नॉब एंड दिस इज़ अ नॉब, अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। इसका नॉब जो है थोड़ा सा जहाँ पे नॉब लगा हुआ ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही कम छोटा पतला चेम्बर है, बट यह इट इज़ वेरी थिक, थोड़ा सा मोटा चैम्बर है इधर। इट इज़ अ टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर एंड वन ऑफ देम इज़ वन ऑफ देम जो है आपका प्रेशर रेगुलेट को वर्किंग प्रेशर बताएगा एंड अदर जो है सिलेंडर प्रेशर बताएगा। इधर भी वन वुड बी शोइंग द प्रेशर वर्किंग प्रेशर, अदर वुड बी शोइंग द सिलेंडर प्रेशर। एंड दूसरा होता है वेल्डिंग होस। प्रेशर रेगुलेटर को जो है होस लगा हुआ रहेगा। होस इज़ नथिंग बट फ्लेक्सिबल रबर होस जो हम लोग फ्लेक्सिबल रबर पाइप जो आपके प्रेशर रेगुलेटर को लगता है उसे हम लोग होस बोलते हैं। एंड ये जो है नॉर्मली एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, मीडियम बिटवीन दैट ऑफ अ प्रेशर रेगुलेटर एंड दैट ऑफ अ टॉर्च। तो दोनों की ये मीडियम प्रोवाइड करता है ये वेल्डिंग होस। एंड ये जो होता है डबल होस जॉइंट टुगेदर, टिपिकली हम लोग डबल होस मैन्युफैक्चर नॉर्मल हम लोग जॉइन करके देता है। एंड एसिटिलीन के केस में जो होता है रेड कलर का होस यूज़ किए जाते हैं, एंड एज फार एज ऑक्सीजन की बात है उसमें ग्रीन कलर का होस यूज़ किया जाता है। आप उधर आप और एक चीज़ भी देखोगे कि जहाँ पे होस लगता है उस पर जो है एक थ्रेडिंग लगा हुआ रहेगा, थ्रेडिंग जो लगा हुआ रहता है। आप अगर आप एसिटिलीन के सिलेंडर को लगा रहे हो तो जो थ्रेडिंग जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड रहेगा एंड उसमें एक नट भी लगा हुआ रहेगा जिसके ऊपर ग्रूव कट्स लगे हुए रहेंगे। अगर आप देखोगे इधर तो इधर जो है अगर एसिटिलीन के केस में आप इधर ग्रूव का कर सम सॉर्ट ऑफ कट्स देख सकते हैं, बट इफ़ एट ऑल अगर वही आप ऑक्सीजन ये जो होता है नॉर्मली आप टू स्टेज रेगुलेटर जो होता है आप ऑक्सीजन में यूज़ करते हैं, वन सिंगल स्टेज जो है आप एसिटिलीन के केस में यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रूव्स देखोगे देयर देयर इज़ अ ग्रूव वही है, अगर ग्रूव देखोगे इसका मतलब ये क्या है, इधर फ्यूल लगे फ्यूल का होस इधर लगेगा, एसिटिलीन का होस लगेगा। एंड इधर का ग्रूव नहीं दिखाई दे रहा है, ये नट जो दिखाई दे रहा है इसमें कोई ग्रूव नहीं है, इसका मतलब क्या है ये ऑक्सीजन को जाएगा। तो इसमें जो थ्रेडिंग जो रहता है वो राइट ऑक्सीजन के केस में राइट हैंड थ्रेड रहेगा एंड एसिटिलीन के केस में लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग लगे हुए रहेंगे। एंड जो नट आपने जो देखा है जिसमें ग्रूव बनाया गया है उसे कनेक्शन नट बोला जाता है। एंड ये होस का डायमीटर कितना रहना चाहिए, तो टिपिकली हम लोग होस का डायमीटर जो है 1/4 इंच से लेके 1/2 इंच के बीच रहता है। क्या डायमीटर बोला मैंने, 1/4 इंच से लेके 1/2 इंच के बीच में उसका डायमीटर रहेगा। एंड होस का सर्टन मार्किंग होना चाहिए, दैट इज़ वो लाइट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड का स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, हैवी ड्यूटी सर्विस को वो लायक होना चाहिए, ये जो है ऑयल फ्लेम रेसिस्टेंट दोनों होना चाहिए। एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कौन से दिन में वो बनाया गया था, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो है उसके अंदर 200 PSI का होना चाहिए। एंड स्पेसिफिकेशन जो है IP90 ऑफ रबर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एंड कंप्रेस गैस एसोसिएशन फॉर रबर वेल्डिंग होसेस, ये जो है वो फॉलो करना चाहिए। जो भी आप होस यूज़ करो इट शुड फॉलो द स्पेसिफिकेशन ऑफ IP90 ऑफ रबर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एंड कंप्रेस्ड गैस एसोसिएशन फॉर रबर वेल्डिंग होसेस। एंड आप एसिटिलीन के केस में ग्रेड R होस यूज़ करोगे, एसिटिलीन के केस में आप कौन सा गैस होस यूज़ करोगे, ग्रेड R होस यूज़ करोगे। अगर आप प्रोपेन या MAPPR ये वाला हो आप या फ्यूल यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस आप टी ग्रेड होस यूज़ करोगे। बोथ आर फ्यूल, ये याद रखना, प्रोपेन MAPPR ये दो टाइप के फ्यूल्स के लिए हम लोग टी ग्रेड होस यूज़ करेंगे एंड एसिटिलीन गैस के लिए ग्रेड R होस यूज़ करेंगे।
डायमीटर कितना होना चाहिए, 1/4 इंच से लेके 1.5 इंच, एंड जो भी आप हो सके उसका सर्टन स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, लाइट स्टैंडर्ड होना चाहिए, हैवी ड्यूटी सर्विस, ऑयल एंड फ्लेम रेसिस्टेंट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, मैक्सिमम प्रेशर 200 PSI, स्पेसिफिकेशन IP90 ऑफ रबर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, कंप्रेस्ड गैस एसोसिएशन फॉर रबर वेल्डिंग होसेस, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ग्रेड आर फॉर द एसिटिलीन, टी ग्रेड फॉर द प्रोपेन एंड MAPPR। नेक्स्ट आता है आप चेक वेल्व्स एंड फ्लैशबैक अरेस्टर, ये भी नॉर्मली लगे हुए रहते हैं, टिपिकली रेगुलेटर और होस के बीच में रह सकता है या होस या टॉर्च के बीच में रह सकता है। अगर आप पूछते हो कि प्रेशर रेगुलेटर चेक वाल्व कैसे दिखाई देते हैं, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। जो ग्रूव आपने देखा था, जो ये जो चेक कनेक्शन नट्स जो थे, इट वॉज नथिंग बट अ चेक वेल्व्स, एंड देर इज़ अनदर नट टाइप ऑफ नट जो हम लोग उधर यूज़ करते हैं, जिसे फ्लैश बैक अरेस्टर भी बोलते हैं। इनका बेसिकली काम क्या है अगर पूछोगे तो, बेसिकली ये काम है, इट स्टॉप्स द रिवर्स फ्लो ऑफ गैस। तो गैस जो होता है नॉर्मल टॉर्च के बाहर निकला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस जो है रिवर्स में फ्लो हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर ड्रॉप, ऐसा कुछ हो रहा है या कोई और रीज़न की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, ओवर हीटिंग हुआ, ये कारण कुछ भी हो सकता है, एंड उसकी वजह से गैस जो है रिवर्स में फ्लो नहीं होना चाहिए। रिवर्स में फ्लो होगा तो हो सकता है कि सिलेंडर के अंदर विस्फोट होने का चांस है। सो इफ पॉसिबल आप फ्लैशबैक अरेस्टर्स एंड चेक वाल्व्स को आप सही कंडीशन में उसके ऊपर होना चाहिए। वो किधर रहेगा, रेगुलर और होस के बीच में, या होस एंड टॉर्च के बीच में, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता। नेक्स्ट आता है ये क्यों होता, टिपिकली एक्सेसिव ओवरहीटिंग ऑफ कटिंग वेल्डिंग और हीटिंग टिप्स, जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग टॉर्च टिप जो होते हैं उधर जो है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ओवरहीटिंग होने की वजह से नॉर्मली फ्लैशबैक होने का चांस होता है। आप हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ओवर हीटिंग हुआ है कि नहीं, टिपिकली हिस्टिंग साउंड, श्रिल साउंड या स्क्विलिंग साउंड, अजीब सा साउंड आपको सुनाई देगा। आप अगर वो साउंड आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका फ्लैशबैक हुआ है, आप कुछ एक्शन लेंगे आप। नेक्स्ट आता है आप इट प्रिवेंट्स एक्सप्लोशन, ये तुम लोगों को इतना याद रखना, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मैंने बताया था। एंड नेक्स्ट आता टॉर्चेस, टॉर्च क्या होता है, टॉर्च इज एक चेम्बर प्रोवाइड करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन या कोई और फ्यूल, ऑक्सीजन एंड फ्यूल का मिक्सचर होता है, इट इज़ अ मिक्सिंग चैम्बर है। एंड टॉर्च जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, इक्वल प्रेशर टॉर्च होता है, एंड दूसरा है इंजेक्टर टॉर्च है, तीसरा जो है कटिंग टॉर्च है। हम लोग इक्वल प्रेशर टॉर्च जो होता है नॉर्मल हम लोग एसिटिलीन के केस में यूज़ करते हैं, एंड बाकी सब के लिए हम लोग इंजेक्टर टॉर्च यूज़ करते हैं। आप मिक्स इस केस में अगर देखोगे तो एसिटिलीन फ्यूल प्रेशर जो है 1 से लेके 15 PSI के बीच में रहता है, इस केस में बहुत ही कम चांस होता है फ्लैशबैक होने का, इजी टू एडजस्ट है। इस केस में हम लोग टॉर्च का जो वेट जो रहता है बहुत ही कम रहता है, एविएशन सेक्टर में अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। इक्वल प्रेशर टॉर्च का एग्जांपल अगर चाहिए तो स्मिथ एयरलाइन है, मेको मिजेट है, एंड हम लोग स्टील को वेल्ड करने के लिए नॉर्मल हम लोग 0.250 इंच का स्टील को अगर वेल्ड करना चाहते हैं तो इक्वल प्रेशर टॉर्च आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। नेक्स्ट आता है इंजेक्टर टॉर्च, इंजेक्टर टॉर्च का जो प्रेशर फ्यूल प्रेशर जो रहता है 0 से लेके 2 PSI रहता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, एंड इसको प्रोपेन और प्रोपिलीन गैस के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्मॉल नोजल रहता है, अगर गलती से ऑक्सीजन का या फ्यूल का ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप होता है तो फ्लैशबैक होने का ज़्यादा चांस है। ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, फ्यूल का प्रेशर 0 to 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए एंड इट शुड बी क्वाइट गुड, अगर कम होता है तो फ्लैशबैक होने का चांस है। फ्यूल जो रहता है एक वेंचुरी इफेक्ट के साथ बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है कटिंग टॉर्च,
कटिंग टॉर्च जो है कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस केस में जो है नॉर्मल हम लोग, तुम लोग को इतना याद रखना है कि कोई भी आप कटिंग करना चाहते हैं, अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीजन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने की, मतलब ऑक्सीजन बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत, ज़्यादा नहीं। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर आपका टॉर्च का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा तो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, अगर ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो क्रोजन होने की वजह से मटेरियल ईजीली ड्रॉप होना शुरू करेगा, दस कटिंग होता है। तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, बाई इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन प्रेशर, बाई इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन प्रेशर वी कैन कट अ मेटल जॉब। टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीजन को बढ़ा के हम लोग करते हैं, तो रेड हम लोग जब तक रेड हॉट नहीं बन, रेड कलर नहीं अचीव नहीं होता, रेड कलर कितने टेम्परेचर में होगा, 1400 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 1600 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर रेज करेंगे एंड आप उधर ऑक्सीडाइज होगा, मोल्टन ऑक्साइड फॉर्म होगा एंड दस उधर जो है आप मोल्टन ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद कटिंग होता है। मतलब जैसे ऑक्साइड फॉर्म होगा, ये ऑक्साइड जो है मोल्टन ऑक्साइड जो है निचले हिस्से में गिरेगा, वो ज़्यादा और ऑक्सीडेशन को और मल्टीप्लाई करेगा, दस कटिंग द जॉब। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। नॉर्मल हम लोग का टॉर्च हैंडल जो है, टॉर्च हैंडल ऐसा दिखाई देता है। दिस इज़ अ चेम्बर जहाँ पे हम लोग मिक्सचर होता है एंड दिस इज़ अ टॉर्च टिप जहाँ से फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर बाहर निकलेगा, इधर से फ्लेम बाहर निकलेगा। दिस इज़ अ टॉर्च टिप। टॉर्च टिप क्या होता है, अगर पूछोगे कि फाइनली अगर फ्यूल और ऑक्सीजन, हम लोग टॉर्च के अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा तो टॉर्च टिप से ये जो है ये मिक्सचर जो बाहर निकलता है, तो इसके अंदर से जब बाहर निकलता है तो आपको एज अ टोल्ड यू अर्लियर कि टॉर्च के टिप के डायमीटर भी डिपेंड करता है कि आपका वेल्डिंग अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर टॉर्च टिप बहुत ही छोटा है तो इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन होगा, ठीक से वेल्डिंग या कटिंग भी ठीक से नहीं होगा। अगर आपका टॉर्च टिप बड़ा है तो बड़ा सा होल भी क्रिएट होगा, राइट। अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन अ कंट्रोल मैनर। ज़्यादा डायमीटर टॉर्च टिप का मतलब बड़ा होल, अगर आपका डायमीटर छोटा है तो वेल्ड ही ठीक से पेनिट्रेट, इन वेल्डिंग अगर करना चाहते हो तो ठीक से पेनिट्रेट नहीं करेगा। अगर आप टॉर्च टिप से कटिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो कट नहीं नहीं करेगा। सो ये तुम लोग को याद रखना है कि सही टॉर्च टिप आपको सही जगह में यूज़ करना। तो अलग अलग टाइप के टॉर्च टिप्स रहते हैं, इट हैज़ अ डेजिग्नेटेड नंबर। तो सही आप मैन्युफैक्चर चार्ट आपको देखना पड़ेगा एंड रिकमेंडेड साइज, सर्टन थिकनेस, थिक मटेरियल के लिए कौन सा साइज का टॉर्च टिप आप यूज़ करोगे वो पहले से मैन्युफैक्चर जो है रिकमेंड करता है, उसे आप यूज़ करोगे। समय के साथ ये देखा गया है कि टॉर्च टिप के अंदर जो कार्बन डिपॉजिट होता है, एंड ये भी देखा गया है अगर टॉर्च टिप को, अब मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि टॉर्च टिप जो रहता है टिपिकली 1/4 इंच से की दूरी पर नॉर्मली रखना चाहिए, लेकिन एक बार क्या होता है थोड़ा सा हाथ शिवर होने की वजह से तो आप टॉर्च टिप के साथ आप मोल्टन मेटल को कांटेक्ट में ला सकते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टॉर्च टिप में क्लॉगिंग होने का चांस है। तो क्लॉगिंग स्लग पार्टिकल एक्यूमुलेट होगा एंड उधर जो है क्लॉगिंग होने का चांस है, ब्लॉक होने का चांस है। तो फ्यूल और ऑक्सीजन का उधर बाहर निकलने का चांस कम हो जाता है, दस बैकफायर होने का चांस है, फ्लेम जो है बैकफायर होने का चांस है, विच इज़ रियली डेंजरस। सो आपको समय समय पर उसको क्लीन करना पड़ेगा, टॉर्च टिप को क्लीन करना पड़ेगा। एंड ये स्लग फॉर्मेशन जो है ज़्यादा डेंजरस नहीं है, वाई बिकॉज अगर आप टेम्परेचर, बिकॉज अंदर वह फ्लेम बनता भी है टॉर्च टिप के उधर, जो टेम्परेचर रेज होने के वजह थोड़ी देर में वो स्लग जो है बाहर निकलेगा, मेल्ट होगा वो बाहर निकलेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन समय समय पर अगर आप टॉर्च टिप को क्लीन करोगे तो आप टॉर्च टिप के एनलार्जमेंट को कंट्रोल में रख पाओगे। नेक्स्ट आता है वेल्डिंग आईवीएस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
बिल्डिंग आईवेज के केस में अगर तुम लोग इतना याद रखना है कि एयरक्राफ्ट को वेल्डिंग करते वक्त या किसी और को भी वेल्डिंग करते वक्त आपको वेरियस टाइप्स ऑफ उसमें से स्पार्क निकलते हैं, स्पार्क निकलता है एंड आपकी आंखों में जा सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस भी बाहर निकलते हैं, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है, वायलेट लाइट होता है, विच आर क्वाइट हार्मफुल टू योर आइस। तो ये रिकमेंड किया गया है कि जब भी आप वेल्डिंग करो तो आप वेल्डिंग आईवीएस पहनिएगा। आर्क वेल्डिंग में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बट बेटर होगा आप पहन लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आप जो लेंसेज आते हैं, इंडिविजुअल लेंसेज जो होते हो आई स्टेप के साथ, इलास्टिक हेड स्टेप के साथ आएगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है उसका सही डायमेंशन भी होता है। टिपिकली जो लेंस जो होते हैं 2x4.25 इंच लेंस नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, 2x2x4.25 इंच लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। एंड अब एक समय था कि हम लोग शेडेड लेंस वाले हम लोग यूज़ करते थे बट वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता था। तो आजकल हम लोग जो है क्या यूज़ करते हैं, टीएम टेक्नोलॉजी ने जो बनाया है, टीएम टेक्नोलॉजीज ने जो बनाया है, लेट 1980s में बनाया गया था, ग्रीन ग्लासेस करके ग्लास लेंसेज है। स्पेशली अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग करना चाहते हो तो इन दैट केस आप टीएम टेक्नोलॉजी का ग्रीन ग्लास यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो क्या क्या किस किस से प्रोटेक्ट करेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट से, इंफ्रारेड लाइट से, वायलेट लाइट से आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड ये जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसका, ANSI का, उसका स्टैंडर्ड जो है ऑलमोस्ट 99% जो है फॉलो करता है, तो इसलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। एंड इट ये जो वेल्डिंग के लिए एज वेल एज ब्रेजिंग दोनों पर्पस के लिए नॉर्मली हम लोग इसे यूज़ करते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक वेल्डिंग गॉगल्स। वेल्डिंग गॉगल ऐसे दिखाई देते हैं एंड स्ट्रैप के साथ ऐसा दिखाई देगा। इलास्टिक स्ट्रैप मैंने बोला था, इस स्ट्रैप जो है ऐसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है टॉर्च लाइट। नॉर्मली अगर आप टॉर्च टिप से अगर फ्लेम निकालना, फ्यूल और गैस का मिक्सचर निकलता है, लेकिन आपको फ्लेम लाना है तो ऑब्वियसली यूनि एक चिंगारी की ज़रूरत है, एक स्पार्क की ज़रूरत है, उसके लिए आपको लाइटर की ज़रूरत रहेगी। एंड ये टिपिकली जो लाइटर यूज़ करते हैं वो हम लोग फ्लिंट लाइटर्स एंड फ्लिंट स्ट्राइकर हम लोग यूज़ करते हैं। आप मैच बॉक्स से जो निकलता है उसे या ओपन फ्लेम्स आप यूज़ मत करना बिकॉज वो सीवियर बर्न होने, हाथ में बर्न होने का चांस है। तो आप फ्लिंट लाइटर्स एंड फ्लिंट स्ट्राइकर्स आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो आप लाइटर यूज़ करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फाइल शेप्ड पीस ऑफ स्टील जिसके अंदर जो है एक कप लाइक डिवाइस रहेगा एंड अ रिप्लेसमेंट फ्लिंट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये जो है जैसे ही बाहर निकालोगे थोड़ा तो सा अलग से एक चिंगारी दस निकलेगा एंड दस आप इसको लाइटनिंग के लिए, फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए, वेल्डिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये कब्स द एंड ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग कल पढ़ेंगे।